हाँ तो एक मिनट ये पर्ची निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हाँ अब हमारे पास अभी, हाँ अब आप देखिए पहले से अंदर कोई वोट नहीं है, कोई नहीं। एक मिनट में इसको भी शो रिजल्ट को जीरो कर दूं। अभी एप्पल को वोट दिया था एक हमने, जी, जी, जी। तो टोटल वोट एक हो गया। हाँ, अब वापस, हाँ इसको मैं वापस जीरो कर देता हूँ। स्टार्ट डेमो, हाँ शुरुआत करते हैं और मैं अब वोट करता हूँ। हाँ बनाना या वाटरमेलन किसी को भी, तीन विकल्प है हमारे पास। हाँ अब मैं इसमें, नहीं अगर आप एप्पल को वोट देंगे, एप्पल का वोट तो ये चोरी करने ही नहीं वाला है। ओके हमें दूसरों का, हाँ आपको चोरी देखनी है तो आपको आपको बनाना को वोट करिए या फिर वाटरमेलन को करिए। मैं बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है तो आप देखिए आप क्या पर्ची देख रहे हैं। हाँ, बनाना आ गई जी। तो आप वोटर ने बनाना की पर्ची देखी जी, वोटर यहाँ से चला गया। हाँ, अब अगला वोटर आया, आप हैं दूसरे वोटर। मान लीजिए मैं फिर बनाना को करता हूँ, मैंने बनाना को वोट किया। हाँ, अब देखिए मैंने क्या देखा, बनाना तो मैं भी खुश हो गया। खुश हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया जी, जी। मैं चला गया। हाँ, अब मान लीजिए आप आए, आप फिर से बनाना को वोट करिए। मान लीजिए मैं फिर से बनाना को वोट कर, अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बनाना देख पा रहा हूं। बनाना देख रहे हैं तो आप सेटिस्फाई हो गए। हाँ? आप भी चले गए। हाँ? तो हमने तीन वोट कर दिए, तीन वोट कर दिए, बनाना बनाना बनाना। हाँ? एक वोट और कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं अब वापस बनाना को वोट कर रहा हूँ, तो ये मैंने बनाना को वोट किया, फिर मैंने देखा सिंबल बनाना, ठीक है। चार वोट किए हैं, चारों बनाना को, चारों बनाना को। तो अंदर से एप्पल का, अब पहले इलेक्ट्रॉनिक वोट देखते हैं, देखिए आइए। तो ये शो रिजल्ट कर रहा हूं अब मैं जी, ये शो रिजल्ट। तो टोटल वोट कितना हुआ है, चार वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला, तीन मिला हुआ है। कौन जीता यहाँ, एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया, नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। हाँ। सभी ने तो बनाना को दिया था, सभी ने बनाना को दिया। लेकिन यहाँ पे तो एप्पल जीत गया है। हाँ। और बनाना को तो एक ही वोट मिला है। हाँ। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट को कागज के वोट से मैच करते हैं, क्योंकि काउंटिंग के दिन भी ऐसा होता है, ठीक है। हाँ। तो देखिए अब हम कागज का वोट देखते हैं। ये देखिए ये कागज का वोट कितना, कागज का वोट है तीन, चार है टोटल वोट, चार। हाँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है, तीन एप्पल, नहीं टोटल वोट कितना हाँ, है, और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का, चार। एप्पल का कितना वोट है, तीन। यहाँ एप्पल का कितना है, तीन। और यहाँ बनाना का कितना है, ये बनाना का एक। जबकि तो आप ने बनाना को दिया, तो आप 100% वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग करिए। हाँ। ये लो काउंटिंग कितने की करनी है, कर लो काउंटिंग। क्या आपकी चोरी पकड़ में आई, नहीं है अभी। लेकिन मांग ये हो रही है जो विपक्ष के, जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान होनी चाहिए, तो मशीन की गिनती। आप बताइए होनी चाहिए क्या, क्या मतलब आप दिखा रहे, इसमें से तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा गलत हुआ भाई। ये मैं ना खोलूं। हाँ। तो यहाँ पे तो ये होने के बाद में जो बनाना का कैंडिडेट है वो वोटर को बोलेगा भाई। हाँ। तुमने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया। वोटर बोलेंगे हमने तो बराबर वोट दिया, पर्ची छपी भी देखी। सवाल और है, अभी हम जब वोट डाल रहे थे तो यहाँ पे पर्ची ये एक ही दिख रही थी। हाँ वही पर्ची, बार बार कटनी चाहिए पर्ची, जो की कटती नहीं है। वो हाँ, पर उसको वोट फुल कट करेगा नहीं, क्योंकि उसको वोट जब चोरी करना है तो वो नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर पर्ची वहीं दिखती रहती है। हाँ हाँ हाँ, ये सारा खेल है। हाँ ये सारा खेल है। और ये हाँ, इसको जिस सीट के ऊपर आपको वोट जितना चोरी करना है वैसा उसमें कमांड आप भेज दीजिए, तो हाँ, वैसा होना शुरू हो जाएगा। हालांकि साबित होता है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता, आसानी से इसमें वोट चोरी हो सकते हैं और वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो आप कभी नहीं, ये साबित नहीं हो सकता कि वोट चोरी हुआ। चुनाव आयोग खोलने देगा नहीं आपको, तो नहीं चुनाव आयोग तो छूने ना देता। वो कहता है वो जब लास्ट में काउंटिंग यूनिट काउंटिंग होती है तभी वो पांच, हर विधानसभा में पांच वीवीपैट खोली जाती है। ठीक है, अभी ये बताइए कि 2024 का चुनाव, जिसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव हो रहा है, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं, अब की बार अगर बीजेपी को नहीं हराया, अब की बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश में चुनाव ही नहीं होने देगी। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त में, ऐसे हालात में अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? देखिए ये भारत में अभी सारी 545 लोकसभा सीट के ऊपर जो चुनाव होने वाले हैं वो वीवीपैट से होने वाले हैं। हाँ। सभी में कांच है वो काला है, सभी में लाइट की अवधि 7 सेकंड है। तो मतलब है ये अभी जो चुनाव है वोट ईवीएम से चुनाव कराना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता। जितना धांधली करना है उतना हो सकता है, 5 सीट करो चाहे 50 सीट करो चाहे 100 सीट धांधली करो, और वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ये भाई, आपने अगर मैं ना गेट खोलूं आपको पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा, किसी को आ नहीं सकता। मतलब सारा खेल इसी काले शीशे का है, ये जो हाँ लगा हुआ है। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए भारत के अंदर, भारत के अंदर सिटीजन के पास कोई ज्यादा राइट तो है नहीं। वोट वापसी के कानून, राइट टू रिकॉल भारत के लोगों के पास नहीं है, जूरी में आने की पावर नहीं है, और
रेफरेंडम पावर भारत में रेफरेंडम का पावर नहीं है, एक ही सिर्फ सिटीजन के हाथ में केवल एक ही लाठी है और वो है वोट देने का कानून, बस इतना सही तो है, न तो वोट वापस लेने का कानून है, न जूरी में आने का कानून है, ये सब तो है नहीं। अब वो एक ही तो कानून है जो सिटीजन की तरफ है और उसको भी ईवीएम ने उसको भी मतलब डाउटफुल कर दिया। अब तो देखिए ये एक अलग बात है, वो तो एक लेबल हो जाए, लोकतंत्र खतरे में है भाई, यहाँ वोटिंग खतरे में साफ दिख रही है। अब अगर लोकतंत्र जो भी होता है क्या होता है वो एक अलग बहस है कि आप लोकतंत्र किसे कहते हो, पर यहाँ भारत में जो भी है रूलिंग क्लास के पास सब कुछ है, वोटर के पास तो वोटिंग है और ये वोटिंग जो है वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ जाती है, तो पूरा लोकतंत्र ही जैसे आपको वो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो मेरे इससे आप पूछो तो 2024 की में जितनी भी पार्टियां रिकॉग्नाइज पार्टियां जो कि चुनाव लड़ रही है या वो, उन्होंने ये मुद्दा ही गलत उठाया कि भाई 2024 के बाद में यहाँ पे चुनाव ही नहीं होंगे। भाई अभी कहाँ हो रहे हैं, आपने मुद्दा इसको बनाना था कि काला कांच जब तक है, हो रहा है बस बटन दब रही है, नहीं तो वो अभी भी तो नहीं हो रहा है भाई। देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे क्यों भाई, क्यों, क्योंकि बीजेपी की अगर सरकार बन गई तो भाई तुम काला कांच जब तक है तो सरकार उनकी बनेगी, वो आप मतलब तो वो तो बात वही खत्म हो गई ना, वो अभी से खत्म। तो आप वो मुद्दा चुनाव के बाद क्यों ला रहे हो, आप चुनाव में ये मुद्दा रखो ना पहले कि भाई जब तक ये कांच काला है हमको आप बैलेट पेपर रखवाइए और रिकॉग्नाइज पार्टी अगर इस मामले को उठाए तो अभी भी इतना वक्त है कि ये